एक जायंट मॉन्स्टर। एंड अगर हम किसी को मॉन्स्टर कहते हैं तो वो बन जाएगा मॉन्स्टर। समझ गया, ये एक जबरदस्त क्रीचर है। बहुत खूब, मैंने आज तक इसके जैसा क्रीचर नहीं देखा। एंड इसके बारे में पहले से इंटरनेट पर आया हुआ है। देखो ये फेमस हो गया क्योंकि मैंने इसे ढूंढा है। मैं इसका नाम रखूंगा, सब्र रखिए, एंड जिला। तुम्हारा मतलब इंटरनेट पर सब इसे देख सकते हैं? बिल्कुल, अंडर वाटर लोकेशन कैमरा से सब इसे लाइव देख सकते हैं। अगले साल हम इसे दिखाएंगे 3D में। एंड बताओ हमारे मिशन का मकसद क्या है? समंदर के जीवों की रक्षा करना। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इसका उल्लंघन किया है? अब तक तुम्हारे वीडियो को करीबन 12 लाख हिट्स मिले हैं, और इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, शिकारी और उसका शिकार। वैसे इस पोस्ट के लिए थैंक्स। एंड नेक्टन, एक बड़ा डरावना मॉन्स्टर समंदर में देखा गया है। अब क्या करना है ये फैसला आपको करना है, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा नाम है डेविल डैनियल और मैं हूँ मॉन्स्टर का शिकारी। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं, पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में, और हमारी है समंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं, और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डी। साथ समंदर में कोई भी जंगली जानवर देखा जाए तो मुझे बताना, मैं उससे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। वाकई क्या ये आदमी सच कह रहा है? डेविल डैनियल्स एक नंबर का झूठा है। फाउंटेन, तुमने इसके शोज नहीं देखे? डेविल डैनियल्स समंदर का बादशाह, डेविल डैनियल्स खतरों का खिलाड़ी, डेविल डैनियल्स आसमानी सितारा, प्यारा, हैंडसम, खतरनाक। क्या हुआ, क्या अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना बुरी बात है? हमारे जाने माने और मशहूर एंट नेक्टन का शुक्रिया। मैंने उस जानवर का पीछा किया और वो मेरा पुराना दुश्मन साबित हुआ। उसने अपने तेज धार वाले पंजों से मेरे पैरों पर हमला किया, और तो और उसने मेरी नाव पर भी अपने निशान छोड़ दिए। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगले 48 घंटे में मैं उसे पकड़ लूंगा। मेरे ख्याल से डैनियल उसे जू में ले जाएगा और मेरे ट्रॉफी रूम में उसे सजा दूंगा। उससे पहले हम पहुंच जाएंगे। कैमरा, यहाँ कोई क्रीचर नहीं है और ना ही किसी शिकारी का नामो निशान। चलो कहीं और चलते हैं। इस मॉन्स्टर के फुटेज को 40 लाख लाइक्स मिले हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर डेविल डैनियल ने उस क्रीचर को पकड़ लिया तो उस बेचारे की जान खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल, तो हमें उसे बचाना होगा। समझ गए? हमने करीब 10,000 किलोमीटर तक के चक्कर लगाए, फिर भी हमें वो नहीं मिला। हो सकता है डैनियल भी उसे ना ढूंढ पाए। हम कुछ कह नहीं सकते। डैड, 3 घंटे हो चुके हैं, आप अब भी नाराज हैं? सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते? मैं फिर भी तुमसे नाराज हूँ। ओके। हर दिन हमारे समंदर में बहुत असामान्य और प्रीहिस्टोरिक क्रीचर दिखते हैं। पर ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक लोग तैयार नहीं हो जाते हमें उन्हें दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। मुझे माफ कीजिए डैड। कोई बात नहीं।
ये जीव तो एक राज की तरह है जेफरी। ये तुम्हें पसंद है हाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अच्छे जीवों को पहचान सकते हो। उस मॉन्स्टर ने सब बर्बाद कर दिया। वो काफी बड़ा था, जैसे जैसे कोई बड़ा सा हवाई जहाज। उसने मेरी बोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम ये जानना चाहते हैं आखिर हमारी मदद कौन करेगा। भोले भाले बेचारे मछुआरे। बहुत बढ़िया, तो देखा आपने कैसे उस समुद्री मॉन्स्टर ने इन भोले भाले लोगों पर हमला किया। ओ नहीं, इन लोगों को मदद चाहिए एक हीरो की। एक ही आदमी ये काम कर सकता है और मेरे ख्याल से वो शक्तिशाली हीरो मैं ही हूँ। मुझे नहीं लगता इस जनाब ने कोई अच्छा काम किया होगा। इस बात से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 60 लाख फॉलोवर्स है। 14 हम लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते एंट। फिर क्या करे। लोगों को बताओ कि मॉन्स्टर्स और टाइम ट्रैवलर्स नहीं होते। पर वो होते हैं, वो मेरे सॉक्स छुपाकर फिर से उन्हें उसी जगह पर रख देते हैं। ये देखो, क्या तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिख रहा है? नहीं तो। बिल्कुल सही कहा, फिरते कैमरे, डरावना म्यूजिक, कोई भी क्रीचर दिखने से पहले एडिट किए हुए सीन्स। डैनियल ये सब ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने कैप्स, टी शर्ट्स और एक्शन फिगर्स बेच सके। उसके एक्शन फिगर्स है, मेरे पास एक्शन फिगर्स क्यों नहीं है? एंड ध्यान दो, अगर ये लोगों को डराने के लिए वायरल वीडियो का इस्तेमाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ओके, हम लाइव जा रहे हैं। 3, 2, 1, एक्शन। हाय, हम नाइटिंस हैं। फिलहाल हम एरोनॉटिक्स पर हैं और आपको एक मैसेज देना है। आप में से कुछ लोगों ने एक बहुत बड़े क्रीचर की फुटेज देखी होगी जिसका नाम एंटजिला है। उसका नाम एंटजिला नहीं है। मैंने वो फुटेज गलती से अपलोड कर दी, पर अब उसे बुरे लोग मारना चाहते हैं। मॉम, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि शिकार करना इसका जवाब नहीं है। सारे समुद्री जीवों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्या हुआ, मैंने बोलने में कोई गड़बड़ कर दी क्या? तुम चाहती हो कि हम फिर से यही लाइंस बोलें? डैड, हम लाइव हैं। ओह, कुछ बुरा होने का अंदाजा लगाना आसान है। ज्यादातर समंदर के जीव हमसे डरते हैं और हम ऐसा किसी चीज को कस कर पकड़ो। ठीक है, मैं इसे स्टेबल करती हूँ। इतने खुश क्यों हो जेफरी? मैं तुम्हें बता दूं, ये जीव बहुत ही खतरनाक है। शील्ड एक्टिवेट करो। रुक जाइए। जो भी हुआ सबने देखा। ये देखिए खतरनाक लाइव सीन, मशहूर निक्सन फैमिली पर उस बुखार समुद्री जानवर का हमला, जबकि कुछ सेकंड पहले ही उन्होंने दुनिया को बताया था कि ये सुरक्षित जानवर है, लेकिन हकीकत में वो है खतरनाक। मैंने सुना है उसके खून में एसिड है और उसके गिल्स में जहरीले दांत। इससे हमने क्या सीखा? आइंदा से लाइव वीडियो नहीं बनाना है, कभी नहीं। ये तो हुई पहली सीख। हाँ, किसी टकराव से बचने के लिए हमें सोनार को सेट करना होगा। बढ़िया, हमें हैंडल्स लगाने होंगे। गिरते वक्त हमें पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, एक स्क्रैच और डेंट है। हाँ, अभी ठीक करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये क्रीचर इराटिक हो जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये खतरनाक है। वो खतरनाक नहीं है डैड, उसने हम पर हमला किया है बिना वजह। एक धक्का लगने का मतलब ये नहीं होता कि उसने हम पर हमला किया। सभी क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग भी क्रीचर्स हैं।
उस क्रीचर का बर्ताव कुछ अलग था। देखा, जेफरी भी ये मानता है, इसे वो पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि क्रीचर को भी जेफरी पसंद आएगा, हल्के नाश्ते के तौर पर। वो हम पर हमला नहीं कर रहा था, वो हमसे कुछ कह रहा था। क्या तुमने मेरी बड़ी बड़ी आंखें देखी बच्चे? मुझे लगता है वो डर गया था। हाँ, वो डेविल डैनियल्स एक नंबर का झूठा है। मुझे इस पर कोई निशान नहीं दिख रहा, इसके आर्म्स पर भी नहीं। मुझे भी नहीं। एरोनॉक्स पर भी कोई स्क्रैच मार्क्स नहीं है। और वो कह रहा था इसके पंजे हैं, कहाँ है? वो सभी से झूठ बोल रहा है। ये क्या है? ये कुछ चमकीला सा है। तुम लोग वापस अंदर आ जाओ, वो क्रीचर वापस आ रहा है। उस समुद्री मॉन्स्टर को अभी अभी एक छोटे से ट्वीड आइलैंड पर देखा गया है और इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ। हमें बचाओ डेविल डैनियल, वो आ रहा है। मॉन्स्टर हंटर, मॉन्स्टर हंटर। डैनियल का एक्शन फिगर है, हमारा एक्शन फिगर क्यों नहीं है? वेल, ध्यान दो। ट्वीड आइलैंड के लोगों, आज वो दिन आ ही गया और मैं बहाऊंगा आपके लिए अपना खून और पसीना। चलो तैयार हो जाओ ड्रामेटिक म्यूजिक सुनने के लिए। मैं इस बीच पर लड़ूंगा, यहाँ तक कि मैं बीच समंदर में भी लड़ूंगा और मैं तुम्हारा आइलैंड बचाऊंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। तो चलो इसे मजा चखाएं। दर्शकों, एक सवाल है मॉन्स्टर से नफरत करने वाले 886 का, जो पूछता है शिकार मेहनत से करते हैं या किस्मत से। अच्छा सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ मैं ये भी कहूँगा कि मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है। आहा, वो देखिए मॉन्स्टर। ओ नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब बच के कहाँ जाओगे? Come on. तो अलविदा मॉन्स्टर। क्या बात है, अच्छी एंट्री थी। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे रोकती हूँ। बात करनी चाहिए। वो हमसे डर कर छुप गया। इसकी बहादुरी देखी। एक्सक्यूज मी मिस्टर डैनियल। नहीं नहीं, अब मुझसे गलती हो गई। सॉरी? मेरा मतलब मुझ पर गुस्सा करो और मेरे दरवाजे पर लात मारकर उसे तोड़ दो। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। इसकी हाइट तो देखो, कैमरा पर तो ये काफी ऊंचा लगता है। क्या बात है नेक्टिन्स, तुम लोगों की पर्सनालिटी तो कमाल की है। सबसे पहले बुकिश जायंट। क्या मतलब? एक गुस्सेल कंजर्वेशनिस्ट। गुस्सेल? शक करने वाली लड़की। बकवास बंद करो। और अंत में एक होनहार होशियार कभी न रुकने वाला बच्चा। थैंक्स, मैं काफी शरारती भी हूँ। तुम लोग मेरी कहानी के विलन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। विलन्स? पर मॉडर्न ऑडियंस को विलन में भी थोड़ा तड़का चाहिए, तो हम तुम्हारी एंट्री दोबारा शूट करेंगे। मिस्टर डैनियल, हम यहाँ तुमसे। तुम कैमरा के एकदम सामने मत आ जाना। और हाँ, लात मार के दरवाजा नहीं तोड़ सकते तो कुछ और ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी देर तुम अपना मुंह बंद करोगे तो मैं अपनी बात। कमाल का आइडिया आ गया, तुम जेट स्की चलाकर खिड़की से अंदर आओगे। हम तुम्हारे बकवास वीडियो का हिस्सा नहीं बनने वाले। यही गुस्से की बात कर रहा था मैं, और गुस्सा चाहिए।
तुम्हें ये सब बंद करना होगा। मुझे जरा सोचने दो। नहीं, इस प्लेनेट पर मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं अपने फैंस को नहीं छोड़ सकता। मैं उनकी बहुत परवाह करता हूँ। जो सच्चा सी एडवेंचरर होता है वो गहराई की रक्षा करता है, शिकार नहीं। गहराई की रक्षा, क्या लाइन है ये, तो बहुत फेमस होगी। इसे तकिया कलाम बना लो। तो ये हथियार मॉन्स्टर के पंजे पे लगा था या फिर ये तुम्हारा है? क्योंकि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, ये स्क्रैचेस इससे बने हैं। मुझे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना पड़ता है। उस फिशिंग बोट के फुटेज का क्या? पुरानी फुटेज थी, बहुत एडिट करना पड़ा। और वो मछुआरे? पैसे देने पड़े। इतनी बकवास परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसे दिए थे मैंने। तो तुम शूट, ब्रॉडकास्ट और एडिट खुद ही कर लेते हो? हाँ, छोटे मॉन्स्टर हंटर और सबने बड़े बड़े। ओके, चलो तुम्हारा पर्दा फाश किया जाए। मैं लोगों को जो चाहिए वही दे रहा हूँ, खतरा और ड्रामा, और वो तुम अब देखोगे। डरो मत मेरे दोस्त, हम दुश्मन नहीं हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अलविदा मेरे प्यारे दुश्मन। ये क्या? वो रोबर ले जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भागो, वो तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। कम ऑन। क्या बढ़िया मशीन है, नेट लॉन्चर वर्सेस मॉन्स्टर। और हम वापस लौटेंगे एक फिनिक्स क्लाइमेक्स के साथ। और अब मेरा नेट लॉन्चर का मुकाबला बड़े जानवर के साथ होगा। वक्त हो गया है एक जोर के झटके का। तुम्हें हार मुबारक हो। आखिर ये चीज है क्या? उसे मैं रखूंगा। मेरे पास एक प्लान है जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हमेशा की तरह? हाँ, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इंटेक वाल्व में खराबी आ गई है। बस के पकड़ना। मैं तैयार हूँ। तो ये लो। ये बहुत खतरनाक है। उसे पकड़ने का यही एक रास्ता है। ये एक फुल प्रूफ प्लान है। ध्यान रखना तुम्हारे प्लान में हमेशा की तरह कोई गड़बड़ ना हो। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? टेक्निकली नहीं। लीजिए पायलट, संभालिए। डैड आइए, कुछ दिखाना है। सॉरी। आज समझा, स्विमिंग आसान है, उड़ना मुश्किल। ये क्या है? कुछ दिनों पहले का ये वीडियो है, डैनियल ने इसे छुपा के रखा था। वो चमकने वाली चीज डैनियल की है। क्रीचर डैनियल पर हमला नहीं करता, डैनियल क्रीचर पर करता है। एंड सही कह रहा था, वो क्रीचर खतरनाक नहीं है डैड, डैनियल उसे खतरनाक बना रहा है। क्या कहा, जरा फिर से कहो। मैंने कहा वो क्रीचर खतरनाक नहीं है। नहीं, तुम्हारी पहली लाइन। एंड सही कह रहा था। जरा फिर से कहो। एंड अब सुनो, डैनियल उस क्रीचर को इलेक्ट्रोशॉक दे रहा है। क्या, कैसे? उसके स्किन पर एक डिवाइस लगा है जो ब्रेसलेट से एक्टिवेट होता है। एंड तुम सुन रहे हो? वक्त नहीं है, गहरी सांस लेनी होगी। क्या, क्यों? मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त। ये एक जायंट सी हॉर्स है। ये होनहार लड़का फंस चुका है, इसे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, डेविल डैनियल, गहराई का रक्षक। ओहो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना आखिरी शॉट शूट करूं। बच्चा मुझसे मदद मांगेगा, बचाओ डैनियल्स। और ऐसे में मैं कभी भी निराश नहीं करता। नहीं, Oh.
सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। उसने उसे बचाया? मैं तो ऐसा कभी नहीं करती, शायद ऐसा करती लेकिन मुझे इस बारे में सोचना पड़ता। देखा, इसीलिए हमारे भी एक्शन फिगर्स होने चाहिए। बहुत बढ़िया, उसने उसे बचाया जबकि वो उसे मारने वाला था। मैं उस मॉन्स्टर का फैन हो गया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इस मैग्निफिसेंट जायंट सी हॉर्स को प्रोटेक्शन दो, तो मेरी ऑनलाइन पेटिशन सेव को वोट दीजिए। मैं हूँ डेविल डैनियल्स, गहराई का रक्षक। इसने मेरी लाइन चुराई। खैर, कम से कम वो सुधर तो गया। क्या हम पहुँच गए? कुछ और घंटे लगेंगे, मैं जानती हूँ वहाँ पहुँचने के लिए ये काफी लंबा रास्ता है। आपको लगता है वो खुश होगा? क्या वहाँ कोई कैमरा लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं। वो खुश होगा, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तुम देख लेना। क्या हम उसे अपना पेट बना कर रख ले? बकवास मत करो आंट,